तो गाइज गांजा फूक के बनाई जाने वाली मूवी मार्टिन को फाइनली मैं देख कर आ चुका हूँ। तो गाइज कैसी थी ये मूवी और आपको देखना चाहिए या नहीं, आपके अंदर वो जिगरा है या नहीं, वो आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं इस मूवी के म्यूजिक की तारीफ करना चाहूंगा। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, म्यूजिक चल क्या रहा है, हीरो बोल क्या रहा है, सीन चल क्या रहा है, डिजाइन कैसा हो रहा है, भाई कुछ भी, मतलब एक सीन के बाद एक सीन चेंज होता जा रहा है, स्टोरी से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। मारदार रोड़ी है अलग ही लेवल की गाइज, इनसे बेटर लगती है हमें गणपत आदि पुरुष जैसी मूवीज, क्योंकि गाइज उनकी स्टोरी एक बार आप झेल लोगे लेकिन इस मूवी को आप बिल्कुल नहीं झेल पाओगे। मार्टिन मूवी की अगर मैं बात करूं तो गाइज ध्रुवा सजाप ने यह क्या किया भाई, इतने भरे भरकम बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया। गाइज ये वही इंडस्ट्री है, जी हां गाइज कन्नड़ इंडस्ट्री है ये, जहां से केजीएफ कांतारा जैसी मूवीज हमने देखी है, वहां से कब्जा जैसी एक और मूवी मार्टिन निकल कर आई है। जिस तरीके के इस मूवी को लिखा गया भाई, क्या फूक के आपने इस मूवी पर पैसा लगाया, इससे अच्छा मूवीज तो आपकी अंडररेटेड होती है, उनको सपोर्ट करो, उनको पैन इंडिया लाओ। ऐसी मूवीज को पैन इंडिया लाकर आप कन्नड़ इंडस्ट्री का नाम रोशन नहीं कर रहे हो, नाम बदनामी कर रहे हो। वेल गाइज इन सबको साइड में रखकर आप अगर मूवी की बात करोगे तो गाइज एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस मूवी में छुपा हुआ ये, और वो ये है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। जी हाँ गाइज इस मूवी के एंड में हमें एक ऐसा हिंट मिलेगा जिससे ये बताया जा रहा है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। मतलब गाइज मेकर्स के कॉन्फिडेंस को आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट का पता नहीं है कैसा जा रहा है लेकिन सेकंड पार्ट आएगा ये मेकर्स का कहना है। जब फर्स्ट पार्ट देखने वाले लोगों की हालत ऑलरेडी खराब है, ऑलरेडी वो अस्पताल में भर्ती है, आप क्या चाहते हो सेकंड पार्ट देखने के बाद वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। और हाँ हाँ इसके अलावा एक सस्पेंस भी है, इसमें मार्टिन के डबल रोल है। अब गाइज मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, स्पॉइलर देने वाली चीज इस मूवी में कुछ है ही नहीं। वेल गाइज म्यूजिक रवि बसूर जैसे बड़े लेजेंड ने दिया लेकिन गाइज कुछ मतलब नहीं, उनका म्यूजिक इस बार अलग ही लेवल पे जा रहा है। बाकी गाइज या एक्ट्रेस का काम भी काफी अच्छा है। जी हाँ गाइज उनको किस काम के लिए यूज किया गया वो आप देखकर समझ जाओगे, उनको बस उसी काम के लिए ही यूज किया गया। गाइज आप चला क्या रहे हो, आपको खुद को पता है कि नहीं। तो गाइज मार्टिन को मिलेंगे मेरी ओर से 5 में से -5 स्टार। वेल गाइज आप जाके इस मूवी को देखने की गलती मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।